Hey guys, welcome back to my channel. मैं आज फिर नई वीडियो के साथ आ गई हूँ. सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज डिफरेंट वीडियो बनाने वाली हूँ. एक्चुअली क्या है यार, लॉकडाउन हो रहा था और लॉकडाउन की वजह से मेरी बहुत सारी वीडियोज़ नहीं आ पा रही क्योंकि शूट ही नहीं हो पा रहा. तो मैं वेली हो गई, मेरे पास कोई काम नहीं कर रही, मैं नली हो गई. और एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह. फिर नली होने के बाद क्या कर सकते हैं हम, एक ही जगह यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम. तो मैं इंस्टाग्राम पे गई और वीडियो स्क्रॉल करने लगी. और फिर जब मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे कुछ अश्लीलता वाली वीडियोस मिली. तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो इस पे ही वीडियो बना दी जाए, अपनी ऑडियंस को दिखाया जाए कुछ मस्ती. आपको जैसे कि आपको पता है टिकटॉक पे लोग हंसते थे, गंद फैलाते थे. मुझे लगा इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे रील्स आई तो मुझे लगा ऑफकोर्स यहाँ तो शायद अश्लीलता और गंद हगना हगाना ये सब बकचोदियाँ नहीं करेंगे, मुजरा सुजरा. बट ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है. इस दुनिया में चूतिया, अखंड चूतिया और महा चूतिया हगने वालों की कमी नहीं है. वो कहीं भी आएंगे, उनको कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिले वो हर जगह आएंगे. दिल तो पत्थर का ही है, ये मत सोचना कि नरम हो गया और बाकी बात. तो जो इनका दिल है, ये जो प्यारा सा दिल है इनका, पत्थर का है ये दिल. ये मत सोचना कि नरम हो गया और बाकी बातों की तो बात पर सुना है कि उनकी महफिल में माहौल हमारे नाम से ही गर्म हो गया. Nothing can stop me, I'm all the way up. दीदी आपने जो ये हरकत की है इसके लिए मैं स्पेशली आपको बोल दूं, इससे आप फॉलोअर्स तो गेन कर लोगी बट आपकी जो इमेज है वो हमेशा खराब रहेगी. और जो कमेंट सेक्शन में आपको गालियाँ पड़ती है ना, सबको पता है किस टाइप की गालियाँ पड़ती है और कितनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ती है. और एक्चुअली बोलो ना, आप इन गालियों के लायक हो क्योंकि आप थोड़े से फॉलोअर्स के लिए अपना जिस्म दिखाने चली हो. ये मत सोचना कि नरम हो गया और बाकी बातों की तो बात पर सुना है कि उनकी महफिल में माहौल हमारे नाम से ही गर्म हो गया. Nothing can stop me, I'm all the way up. क्या बोला आपने, माहौल गर्म हो गया आपका नाम सुन के. तो मैं बता दूं आपको, आपका नाम सुन के माहौल गर्म हुआ. आपने जो दिल खोल के दिखाया है उसकी वजह से लड़कों का कुछ और ही नरम हो गया और गर्म भी हो गया, समझी आप. हाय हाय, इतना सुकून. ये करना जरूरी था. I'm sorry. वो एक्साइटेड है ना, पता है उसका दिल देख के बहुत सारे लड़कों का कुछ खड़ा हो जाएगा. खोल के तो दिल दिखाई दिया, कुछ और रह गया तो वो भी दिखा दो ना. कुछ बचा है क्या, पूरा इतना सा क्यों, पूरा ही दिल दिखा देती, पूरा ही दिल दिखा देती. 1 मिलियन जाते आपके व्यूज, आपकी लाइक्स वीडियो पे 1 मिलियन जाती, 1 मिलियन से भी पार हो जाते. आप एक ही दिन में क्या, एक ही रात में फेमस होते, एक घंटे में फेमस होते. ये वाली दीदी पिछली वाली दीदी से इंस्पायर होके आई है. अपना जो इनका दिल था इन्होंने काले कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ था, अपना बड़ा बड़ा दिल काफी फैला हुआ बिजनेस है. अपने बड़े दिल को अच्छे से दिखा रही थी ये दीदी भी पिछली वाली दीदी से इंस्पायर होके आई है. दीदी आपने भी माहौल गर्म कर दिया उन दीदी की तरह. अपने दिल दिखा रही है भाई, अपने बड़े छोटे जो भी है, ये अपने दिल दिखा के फॉलोअर्स बटोर रही है. आम दो फॉलोअर्स आम दो. बाकी सारे बकचोदिया, मतलब इन्होंने ना ये सोच रही है, सारी की सारी जितनी भी ये सब ये हरकतें कर रही है ये सब सोच रही है भाई. टैलेंट गया माचुदा ने, टैलेंट गया गाना बनवा ने. हम सारे फॉलोअर मतलब सारे फॉलोअर्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जितने भी और कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी गांड मार लेंगे. बस अपना दिल दिखा के सारे फॉलोअर्स और सारे लाइक सब कमा लेंगे, सारा फ्रेम आज ही कमा लेंगे अपना दिल दिखा के. और कैसे सेक्सी लुक में दीदी ने अपना दिल दिखाया भाई, स्लो मो. लड़कों को तो बड़ा मजा आ रहा है, लड़कों का तो दिन बन गया. एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. लड़कों को एंजॉयमेंट दे रही हो आप, लड़कियों की कालियां तो खा रही हो पर लड़कों को एंजॉयमेंट दे रही हो. तो ये दीदी ने डांस किया, बड़ा मस्त सेक्सी सा डांस था. अपने बम हिलाए, हिप्स
बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अपनी बूटी इन्होंने शेक की है। अब दीदी आपने बूटी तो शेक कर ली, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि ये उतारने का क्या सीन था। वैसे भी उसमें कुछ ढका तो हुआ नहीं था, बिकॉज वो नेट की थी, कुछ ढका तो हुआ नहीं था, दिख तो वैसे भी रहा था, बट वो भी उतारने की क्या जरूरत थी। और अगर वो उतार ही दिया था तो अंदर का क्यों छोड़ा, वो भी उतार देते। और मतलब तो डांस करने से ही था ना, मतलब तो पीछे बूटी हिलाने से ही था ना। आपको बूटी हिलाना था ना, तो वो ये स्टंट करने की क्या जरूरत थी। ना तो आप ऋतिक रोशन हो जो अपनी, ना ही आप सलमान खान हो जो अपनी शर्ट फाड़ के दिखाओगे, तो ये उतारने का क्या रोल था मुझे समझ नहीं आया। मैं उनमें से हूँ जिसके दिल से अगर कोई एक बार उतर जाए ना तो फिर चाहे वो कबर में उतर। उनमें से एक बार इनका दिल रिपीट करना। मैं उनमें से हूँ जिसके दिल से अगर कोई अक्कल है। तू क्या बोल रही है? ओहो वाओ दिल, वाओ दीदी आपने थोड़ा कम दिल दिखाया है। बाकी सारी दीदियों ने बहुत ज्यादा दिल दिखाया था, उनको ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। यार ये गलत है यार, यार लड़के परेशान हो गए यार, लड़के इरिटेट हो गए। बाकी सारी दीदियों ने पूरा खुल खुल के दिल दिखाया, आपने कम दिल दिखाया यार। और आप उनमें से, आपने सही बोला, आप उनमें से ही हो जो अपने दिल यहाँ लटका के घूम रही है, जिनके लिए दिल इनके पत्थर के हो रहे हैं और इनके दिल यहाँ, इनके दिल यहाँ नहीं है, इनके दिल यहाँ है। यहाँ मुझे समझ नहीं आता कहाँ है कहाँ लगी। पर दीदी सच बताओ, आपको ज्यादा दिल दिखाना चाहिए था, लड़के आपके दिल को देखना चाहते हैं, बिकॉज बाकी दीदियां ज्यादा ले गई फॉलोअर्स, आप रह गई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास यार। एक बार और रिपीट करें दीदी की वीडियो को, देखते हैं। चलो ना चलो ना चलो ना, लड़कों को तो मजा ही आएगा यार, लड़कों को तो मजा ही आएगा। और ये रिपीट, ये तो ऐसी वीडियोस के लिए ताक में बैठे रहते हैं, मतलब स्क्रॉल करते रहो, इस टाइप की वीडियोस आती रहे, इनका मूड और पता नहीं क्या क्या बनता रहे, और ये मजे लेते रहो, फिर ये अनसन हरकतें करते रहे। रुको जरा सबर करो। मैं उनमें से हूँ जिसके दिल से अगर कोई एक बार उतर जाए ना तो फिर चाहे वो कब्र में उतर जाए। इस दिल पे आपके लाइक तो आ रहे होंगे। वैसे दीदी कमेंट बताओ जरा कैसे आ रहे, मस्त सेक्सी कमेंट आ रहे होंगे। यार इनके दिल यहाँ है तो बाकी चीजें कहाँ कहाँ होगी। क्या आ गया तुम्हें? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाकी चीजें कहाँ कहाँ जगह पे होगी भाई, दीदी का दिल यहाँ पे है तो बाकी चीजें भी यही होगी, और क्या कहाँ होगा। तो लोग जो अपनी इंस्टाग्राम रील्स पे हग रहे हैं एंटरटेनमेंट की जगह, बस हकास और अपने बड़े बड़े दिल, छोटे छोटे दिल, बड़े दिल, मीडियम दिल, सारे टाइप के दिल लड़कियां दिखा रही हैं। और चलो लड़के तो पहले, चलो टिकटॉक था जब तो कम था, मेरे को तब भी था बट कम था, बट रील्स पे तो इन्होंने मतलब यहाँ तो पूरा हग रखा है। हग क्या, यहाँ तो मतलब रील्स खोलते ही ना अश्लीलता का भंडार आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने फोन साइड खोल दी। लिटरली बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ। आप रील्स खोलोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि आपने फोन साइड खोल दी हो। अपने नए फॉलोअर्स बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लड़की अपने दिल दिखा रही है। अपनी दिल तो खैर नहीं है, सीरियसली बोला जाए तो क्लीवेज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए क्लीवेज दिखा रही है अपनी। और बाकी लड़कियां जो अच्छी हैं, जो अच्छी रील्स बना रही है, उनको क्या करना चाहिए दीदी? उनको डूब के मर जाना चाहिए? दीदी मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, क्या उनको डूब के मर जाना चाहिए? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। बाकी जो लड़कियां हैं, जो बाकी लोग हैं, वो अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, और वो डांस कर रहे हैं, वो मेकअप ट्यूटोरियल्स दिखा रहे हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? अपनी एक्टिंग दिखा रहे हैं, उन सबको क्या करना चाहिए? डूब के मर जाना चाहिए? अब दीदी ऐसे मत बोलना कि नहीं मरना चाहिए, बल्कि मरना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ मरना आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सारे फॉलोअर्स तो आप ले जाओगी अपनी एक क्लीवेज और अपना सबको क्लीवेज। सॉरी दीदी, आप ना बड़ा बड़ा दिल दिखा के आप। चलो गाइज बाय, सी यू, टाटा। और गाइज सॉरी यार, एक और चीज़ आपको बोलती थी, एक्चुअली क्या है, प्रैंक वीडियोज नहीं आ पा रही, आई नो शूट नहीं कर पा रहे बिकॉज लॉकडाउन है, तो कुछ नहीं मिला तो ये बना दिया। ऑफ कोर्स देखा अच्छा नहीं लगा तो दैट्स व्हाई इसको बना दिया, थोड़ा ट्राई किया फनी वे में, बिकॉज आता नहीं है मुझे ये सब करना, बताना मतलब रिएक्शंस वगैरह और वगैरह मुझे आता नहीं है, बट आई विल ट्राई।
माय बेस्ट कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगी आप सबको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट, प्लीज सपोर्ट कर दो मुझे।